दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले मुख्यमंत्री विशेष योगदान स्वरोजगार योजना, जिसके तहत दिव्यांग व्यक्तियों को जो है काम शुरू करने के लिए सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है, या कह सकते हैं कि विशेष योगदान व्यक्तियों को 5 लाख रुपए तक का ऋण सरकार द्वारा दिया जाता है। इस पर 50% का अनुदान भी सरकार द्वारा दिया जाता है। तो क्या पूरी योजना है, कैसे इसमें प्रोसेस रहने वाला है, आपको इसमें आवेदन कैसे करना है और इसमें पात्रता क्या क्या रखेगी, पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप भी कोई विशेष योगदान व्यक्ति हैं और आप जो है इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री विशेष योगदान स्वरोजगार योजना के तहत जो है आपको 5 लाख रुपए तक का ऋण सरकार द्वारा मुहैया करवाया जाता है, जिस पर 50% का अनुदान या 50,000 रुपये जो भी कम हो उसका अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। अब इसमें पात्रता की बात कर लेते हैं कि इसमें पात्रता क्या क्या रखी गई है। तो सबसे पहले विकलांग जो है व्यक्ति के पास 40% से अधिक दिव्यांग होने का जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए, राजस्थान राज्य का वो मूल निवासी होना चाहिए, क्योंकि ये योजना राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए, उसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए राजस्थान का। आयु अगर बात कर लें तो 18 से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वार्षिक आय की बात कर लें तो परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक ने इससे पहले किसी भी बैंक का उस पर ऋण बकाया नहीं होना चाहिए, जो भी आवेदन कर रहा है उस पर किसी भी बैंक का जो है ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। पूर्व में किसी भी योजना का उसने अनुदान नहीं लिया हो इस योजना के अलावा। अब बात कर लेते हैं इसमें लाभ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया करवाया जाता है सरकार द्वारा, ऋण की राशि पे जो है 50% या अधिकतम 50,000 रुपए पे अनुदान जो भी कम हो वो सरकार द्वारा इस पे अनुदान भी दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको। दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए जो मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित हो, जन आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड होना चाहिए, आयु संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए, पूर्व में आपने कोई ऐसी योजना का लाभ ना लिया उसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना होगा, आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, बैंक खाते की जो है आपकी पासबुक आपके पास होनी चाहिए। अब एक जरूरी अपडेट इस योजना के लिए, देखिए जब आप इस योजना के लिए आवेदन करेंगे तो जो भी दिव्यांग व्यक्ति उसका जन आधार कार्ड पूरी तरह से अपडेट होना चाहिए। जैसे जन आधार कार्ड में उसके आधार कार्ड नंबर अपडेट होने चाहिए, उसकी जन्म तिथि अपडेट होनी चाहिए, मोबाइल नंबर अपडेट होने चाहिए, उसका बैंक अकाउंट अपडेट होना चाहिए और जो भी उसके तमाम जानकारी है वो जन आधार कार्ड में अपडेट होनी चाहिए ताकि उसको आगे कोई समस्या ना आए। अब बात कर लेते हैं इसका आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसका ऑनलाइन आवेदन आप जो है नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या SSO पोर्टल के माध्यम से भी आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप इस योजना की जो डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप जो है नज़दीकी समाज कल्याण विभाग में भी जाकर इस योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने फिर कोशिश की है कि आपको इस वीडियो में दूँ, मैंने पूरी जानकारी आपको दी है, जो जो पात्रता चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, प्रोसेस क्या रहता है। आप नजदीकी मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, SSO पोर्टल से भी आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैंने आपको वीडियो में दे दी है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा और सभी के पास ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि जो भी व्यक्ति जो है काम करना चाहता है और ऋण लेना चाहता है उस तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इस योजना का लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट।